हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो पूरा एनपीए के ऊपर होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनपीए की तरफ से नोटिस आने लगा है लोगों को, बैंकों की तरफ से जिनका भी लोन एनपीए में चला गया है, बैंक वाले या एनबीएफसी वाले उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। तो गाइस, इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पूरा आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या सही में नोटिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ ही में दोस्तों बताने वाला हूँ कि अगर आपको नोटिस आ भी रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, ये भी बताने वाला हूँ। और साथ में बताने वाला हूँ कि कौन सा आपका लोन अब तक एनपीए में गया है कि नहीं गया है, ये कैसे पता करें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करेगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी हमें जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पता करोगे कि आपका लोन एनपीए में जा चुका होगा या नहीं जा चुका होगा। तो उसको पता करने का सिंपल सा एक गाइस मतलब कि तरीका है, वो तरीका ये है कि आप लोन लिए हो, लोन देख लो कब का लिए हो, और लोन जब से लिए हो उसका अगर आप 90 दिन तक या 3 महीने तक या 90 दिन, दोनों एक ही है, 90 दिन या 3 महीने तक अगर आप उसका लोन नहीं चुकाए हो, पेमेंट नहीं किए हो 3 महीने के अंदर अंदर तक, और 3 महीना बीत चुका है, तो आपको ये डर रहेगा कि आपका लोन एनपीए में जा सकता है। अगर कोई आपकी कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर है या फिर वो कोई आप बैंक से लोन लियो या कोई भी तरीके का लोन लियो, तो आप वो 90 दिन देख लेना, अगर वो क्रॉस कर गया तो बहुत चांस है कि आपका लोन एनपीए में जा सकता है। एनपीए में जा सकता है तो फिर बैंक अलग अलग तरह का हाथकंडा अपनाती है अपना पैसा वसूलने के लिए, आपको कोर्ट में घसीट सकती है, आपके घर ही कभी एजेंट आ सकते हैं, आपके घर बैंक वाले आ सकते हैं, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है इस केस में। अगर आपका लोन एनपीए में चला गया तो आपके सिविल का तो जो नॉर्मल सिविल बिगड़ता है उससे ज़्यादा ही सिविल बिगड़ जाएगा लोन अगर एनपीए में जाएगा तो, क्योंकि वो आप पूरा एकदम क्लियर पता हो जाएगा कि भैया आप डिफाल्टर हैं, आप चोर हैं, 90 दिन बीत गया फिर भी आपका लोन देने का मन नहीं, इसलिए आपके सिविल की ऐसी तैसी हो जाएगी, लाइफ में कभी आपको 1 रुपए का लोन नहीं मिलेगा। तो एनपीए में जाने से पहले अगर आपका 90 दिन बीत भी गया है और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा लोन एनपीए में अभी नहीं गया होगा, तो आप एक बार जो भी एनबीएफसी या जो भी बैंक है उससे संपर्क करिए और अपने लोन को भरिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और गाइज, अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि जो भी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन है उनका जो लोन एनपीए में जाता है कि नहीं, तो उनका भी लोन भी है, कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है उसका भी एनपीए में जाता है, वो भी सेम बैंक की तरह रिकवरी करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करेगी। अगर आप 5,000-10,000 तक का लोन ली हो तो जा सकता है वो भी एनपीए में, लेकिन ये देखिए इसमें एक तरीका है कि आप अपने एनबीएफसी रजिस्टर एप्लीकेशन से बोल सकते हो, कॉल करके या व्हाट्सएप करके या कुछ भी उनके वेबसाइट पर जाके उनका मेल वोल सब कॉन्टेक्ट करने का तरीका मिल जाएगा, बोल सकते हो कि हम भी आपका थोड़ा सा पेनल्टी रिमूव करिए, इंटरेस्ट भले ही मत रिमूव करिए लेकिन पेनल्टी रिमूव करिए और हम आपका टुकड़े में धीरे धीरे पैसा दे देंगे। हालांकि अब हमें नहीं लगता कि टुकड़ा में मांगेगी कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक अब मानेगी टुकड़ा में इंस्टॉलमेंट में पैसा लेने के लिए, क्योंकि जब आप इतने दिन तक नहीं दिए तो आप क्या दोगे, ठीक है। तो आप उनसे बोलो कि अपने हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करिए, हम आपको पैसा पे कर दे रहे हैं, ठीक है गाइस। ऐसे क्या होगा, आपका सिविल बच जाएगा और जो फ्यूचर में सिविल सही होने वाला रहेगा, मान लीजिए आप 3 महीने तक लोन नहीं दियो तो आपका सिविल तो खराब हो ही गया, लेकिन अगर एनपीए में चला गया फिर भी आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपका सिविल वो कभी सुधरेगा नहीं जल्दी, लेकिन अभी अगर आप पे कर दोगे तो आपके सिविल सुधरने के चांसेस हैं, फ्यूचर में आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लियो या बैंक से लोन लियो तो 90 दिन अगर क्रॉस कर गया तो जरूर अपने बैंक या एनबीएफसी से एक बार कॉन्टैक्ट करो और अपने लोन को भरो, ताकि आपका लोन एनपीए में ना जाए और आपका जो सिविल है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि पैसा तो आप ले लोगे, आपका कुछ कोई करेगा 5,000 रुपए के लिए, लेकिन आपकी सिविल खराब हो जाएगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा और इससे आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अब गाइस, कुछ चूतिए यहाँ पे आ जाएंगे अपना मुंह उठा के भाषण देने की कितना पैसा लिया है तो लोन एप्लीकेशन वालों से और बैंक वालों से। तो अब चूतिए, 1,000-1,500 किसी के वीडियो पे व्यूज आता है ना, तो उससे कोई बैंक और एनबीएफसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, तो कोई भी मेरा वीडियो स्पॉन्सर नहीं होता है, कोई 1 रुपया नहीं देता है, ठीक है, कोई भी 1 रुपया नहीं देता है, और तेरे को ऐसा लगता है ना कि पैसा मिलता है तो लगे, तेरे जैसे चूतियों का क्या करना, ठीक है। तो गाइस यही है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका लोन एनपीए हुआ है कि नहीं हुआ, एनपीए में गया है कि नहीं गया है, ठीक है। और अगर आपका लोन एनपीए में चला गया तो आपको नोटिस अगर आ गया है, क्योंकि देखो नोटिस पता नहीं आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से उड़ती खबर मिली थी, किसी यूट्यूबर के ही चैनल से मुझे पता चला कि लोगों को नोटिस आ रहा है, मुझे एकदम कन्फर्म नहीं पता है कि हाँ भैया नोटिस आ ही रहा है,
ठीक है, जिनका लोन एनपीए में चला गया। लेकिन अगर आपको नोटिस आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर उसके बारे में पूरा डिटेल में पता करूंगा। लेकिन अभी मुझे यही पता चला है कि अभी तक मेरे किसी सब्सक्राइबर का तो नोटिस नहीं आया है। बाकी अगर आप लोग का आ रहा है तो भाई जरूर वो भी सही वीडियो बनाए होंगे, कहीं ना कहीं से उनको पता चला है। तो अगर आ रहा है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, मुझे व्हाट्सअप करिएगा अपना नोटिस, में देखूंगा। ठीक है, मेरा जो फ्रेंड लॉयर है उसको मैं दिखाऊंगा कि यार क्या है क्या नहीं, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो गाइज अगर आपको नोटिस आ रहा है तो पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बैंक और एनबीएफसी से बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एनपीए से रिलेटेड आपका लोन एनपीए में चला गया और आपको नोटिस आ रहा है तो आप एक बार बैंक और एनबीएफसी से बात करके अपना लोन क्लोज करा सकते हो। बहुत बड़ा कोई हैक्टिक नहीं लेना है, बहुत बड़ा कोई बर्डन नहीं है कि आपका लोन एनपीए में चला गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रहो। ठीक है, अब गाइस बात कर लेने की क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन जा सकते हैं एनपीए में, मतलब फर्जी लोन एप्लीकेशन का एनपीए हो सकता है। तो गाइस नहीं, देखो आप कोई भी एनबीएफसी को, कोई भी बैंक को तभी कोई भी आपको लोन एप्लीकेशन लोन देती है जब वो एनबीएफसी रजिस्टर हो। जब कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन बिना एनबीएफसी रजिस्टर का आपको पेमेंट दिए, आपको लोन दिए, तो उसको कोई लेने का हक भी नहीं है लीगल तरीके से। इलीगल तरीके से ही वो ले सकती है, आपको गाली दे सकती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा सकती है, जैसे फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले करते हैं। लेकिन कोई एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन है वो लीगल तरीके से ले सकती है, दैट्स वाई उसका लोन जो है एनपीए में जाता है। ठीक है, वो लीगल तरीके से एक्शन ले सकती है आपके ऊपर, लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं ले सकते। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों का लोन एनपीए में चला जाएगा तो बिल्कुल भी इस डाउट को निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, एनबीएफसी का नाम ना बताए, सिविल में सो ना हो, लोन एग्रीमेंट लेटर ना दे, सेंशन लेटर ना दे, एक्सपीरियंस में सो ना हो, तो उसका पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके सिविल में सो हो रहा है वो डेफिनेटली आपका एनपीए में जा सकता है और उसका आपको पेमेंट करने का जरूरत है। ठीक है गाइस, सो गाइस यही कुछ बातें थी जो कि इस वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि अगर मेरा लोन एनपीए में चला गया ठीक है तो मेरा क्या होगा। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो बैन लगाया था, मतलब कि रोक लगाया था एनपीए में, ठीक है। लेकिन अब वो अपना हटा लिए रोक एनपीए से, कोई बैंक वालों को बोल दिया कि ठीक है आप अपना रिकवरी कर सकते हैं, आपका जिनका भी लोन 90 दिन तक वो नहीं दिए उनका एनपीए हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि रोक लगाया था कि कोई का भी लोन एनपीए में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन था, इतने लोगों के पास पैसा नहीं था। फिर जैसे ही वो रोक हटा तो एनपीए में लोगों का जाने लगा। और गाइस अब अगर नोटिस आपके पास आ रहा है, मुझे कन्फर्म पता नहीं है क्योंकि मेरे कोई भी सब्सक्राइबर का नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कमेंट या व्हाट्सएप जरूर करिएगा अपना अगर आपको नोटिस आया है कोई भी एनपीए की तरफ से तो कि आपका लोन एनपीए में चला गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही ऑर्डर हटा सारे बैंक वालों ने एनपीए करना लोन शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि कोई भी बैंक अगर आपको लोन देता है, मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर कोई भी बैंक आपको लोन देता है, मान लीजिए 100% लोगों को बैंक लोन दिया है और उसका लोन अगर रिकवर नहीं हो रहा है, उसका लोन अभी लॉकडाउन का टाइम तक तो 50-50% ऐसा था कि बैंकों का पैसा ही रिकवर नहीं हो रहा था, तो किसी भी बैंक को स्टेबल होने में अगर उसका 30% तक का भी पैसा अगर मार्केट में लोन फंसा हुआ है तो उस बैंक को चलने में बहुत दिक्कत होता है, वो एनबीएफसी को चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो कहीं कभी भी यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी नहीं चाहेगी कि उसका पेमेंट उसको ना मिले, क्योंकि वो कुछ प्रॉफिट के लिए ही आपको एक अमाउंट दी है। अगर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लोन क्यों देगी। ठीक है, तो कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी ऐसे इतने आराम से सेटलमेंट नहीं कर लेती है कि हाँ जाओ तुम जितना दियो उतना ही दे दो, उससे कम दे दो, इतने आराम से सेटलमेंट नहीं करती है, क्योंकि गाइस देखो वो भी दो पैसा कमाने के लिए आपको लोन दिए। ठीक है, तो आपका लोन एनपीए में अगर चला गया या आपको लग रहा है ऐसा कि चला जाएगा तो जल्दी जल्दी पे कर दीजिए, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, नहीं तो आपका सिविल का और धजिया उड़ सकता है। ठीक है गाइस, और गाइस जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है वो तो एनपीए में यार कभी जा नहीं सकती हैं, तो उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लीगल हैं, जो एनबीएफसी रजिस्टर हैं, जो लोन एग्रीमेंट लेटर दे रही हैं, जो एनबीएफसी का नाम बता रही हैं, जो सिविल में सो रही हैं, किस रूफीलों का यार यहाँ पे डाउट है, लेकिन किस रूफीलों का क्या करेगा इस, देखो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, किस रूफीलों के पास पैसा है फेंकने के लिए इस देश में ना, हम आपसे बता रहे हैं अपने हर वीडियो में मैं बोला हूँ कि इस देश में जिसके पास पैसा है वही सबका बाप है, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो बस मतलब पिसता रहता है इन लोगों में। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं कि देखो इन बड़ी बड़ी एनबीएफसी से पंगा लेना ना इतना इजी नहीं है कि इनको बंद करा देंगे, इनको बैन करा देंगे। फर्जी लोन एप्लीकेशन भी हमारे वीडियो बनाने से बैन हुई हैं, लेकिन ये नहीं कि मतलब बस हमारे ही वीडियो बनाने से बैन हुई हैं, ठीक है, कि हम ही उसको बैन कराएं, ऐसा कुछ नहीं। हम यूट्यूबर्स तो वीडियो बना के उनकी सच्चाई रखते थे आप लोगों के पास, लेकिन उनका बैन होने का मेन कारण ये था कि लोग सुसाइड करते थे। अगर लोग सुसाइड नहीं करते ना तो हमारे वीडियो बनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा खिला देते लोन एप्लीकेशन वाले। हम लोग क्या है यार उनके लिए, छोटे मोटे यूट्यूबर लोग क्या है लोन एप्लीकेशन वालों के लिए, वो इतना पैसा मार्केट में करोड़ों रुपए फेंक सकते हैं, तो क्या 2-4 करोड़ फेंक नहीं सकते हैं किसी के आगे कि उनका एप्लीकेशन चलता रहे। ठीक है, तो यार देखो आप लोग भी बस खाली कमेंट में करते हो हम आपके साथ हैं ये वो,
कभी अगर किसी को बुला दूंगा ना कि आओ यहाँ पे आओ इनके ऑफिस चलना है, जैसे एक भैया थे वो किस्त के ऑफिस में गए थे मुंबई में, तो आप लोग यूट्यूब का खाली वीडियो ही देखते हो, कभी उनके पास दो चार लोग भी नहीं पहुँचे थे कि ऑफिस में जाके किस्त के कुछ बात किया जाए। तो जब लोग ही साथ नहीं देंगे तो वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो गाइस ये जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन चाहे किस्त हो या रूफिल हो, भले ये इलीगल है, लीगल हो के इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे इतना इजी नहीं है इनको बंद कराना। मैं देखो खोल के बता रहा हूँ पूरा क्लियर कट, ये एक भी रुपया मैं किसी से लिया नहीं हूँ। ठीक है, ये चोर किस्त और रूफिलो हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे। आप इनसे लोन लेके गलती की हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इनको भी बंद करा देंगे, तो गाइस देखो ये पॉसिबल नहीं है, हम बिल्कुल भी फैक्ट बता रहे हैं इस वीडियो में। आप लोगों को जैसा लगेगा आप लोग खुद ही सोचो, यार इतनी बड़ी कंपनी है हम लोग कैसे बंद करा देंगे, उसके पास इतना सारा पैसा है वो फेंक देगी पैसा। ठीक है, इतना बड़ा कांड हो जा रहा है फिर भी लोग जेल में से छूट के आ जा रहे हैं, और ये एक लोन एप्लीकेशन है जो कि कैसे बंद करा सकते हैं, यार आप खुद सोचो, उसके पास इतना पैसा है वो फेंक देगी, इतना इजी नहीं है किसी को भी बंद कराना। तो आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि रुको अभी दो तीन महीना किस्त रूफिलो तो बैन ही हो जाएगी, तो बैन नहीं होने वाली है गाइस इतना जल्दी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो पैसा फेंक के सबका मुंह बंद करा सकती है। ठीक है, तो इससे जैसे भी इसका इंटरेस्ट और पेनल्टी आपका वेव ऑफ कर ही रही है ना किस्त रूफिलो, तो जितना दी है उतना देने में आपको क्या दिक्कत है, किस्त रूफिलो का पेमेंट कर दो ताकि आपका सिविल बच जाए। तो यही तो गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोग हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।